हम इसको नीचे छोड़ेंगे यहाँ से, देखते हैं ये कहाँ तक जाएगी, यहाँ की टूट जाएगी और ये जा रही है नीचे की तरफ। जी वेलकम बैक दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी मस्त हैं। तो दोस्तों चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज का व्लॉग हमने डन्ना टॉप यानी कि डन्ना टॉप मोड में ना स्टार्ट कर लिया है। ये देखिए हमारे पीछे का व्यू कुछ ऐसा है, बर्फ़ जो है बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है अभी, और अभी हम हैं मोड में। मेरे साथ है मुश्ताक भाई और जावेद भाई, हम आए हुए हैं इधर पिकनिक करने के लिए आज, क्योंकि बर्फ़ जो है अभी भी पड़ रही है, आपको दिख रही होगी। तो चलिए करते हैं व्लॉग स्टार्ट। व्लॉग में व्लॉग पसंद आया चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो चलिए देखिए आगे का व्यू कैसा है आज का, और क्या मौसम है लॉरेन का आज, कितना मस्त व्यू आ रहा है। और यह मेरा जावेद भाई जो कि सिगरेट को धुआं निकालते हुए, और चलिए बने रहिए वीडियो में। ये देखिए मज़े ले रहे हैं बर्फ़ के अभी। तो चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। व्लॉग में बने रहिए आज के। और दोस्तों हमारे गांव का कुछ व्यू ऐसा है, और अभी ये रोड जो दिख रही है ये हज़रत साईं लबख्श के दरबार पे जाती है, और सामने का व्यू कुछ ऐसा है। देखिए सामने इतनी बर्फ़ पड़ी है, ये जंगल भी पूरा सफ़ेद हो रखा है, और साथ में कुंजा का इलाका भी पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, और सुल्तान पथरी और नंदी शोल का इलाका भी बहुत ही बर्फ़ से ढका हुआ है। और यहाँ पर देखिए इस गाड़ी पर कितना बर्फ़ है, और यहाँ पे जो है सेल्फी जावेद और मुश्ताक ले रहे हैं अभी गाड़ी के साथ में। और गाड़ी हमारे पास आज ये है, और ये देखिए अभी सेल्फी जो है वो जावेद भाई ले रहे हैं। और जावेद मेरा परमात्मा भाई, बर्फ़ के नीचे लगी हुई हैं, और सामने जो नीचे जबड़ी का इलाका दिखाता हूँ एक बार। और ये देखिए सामने का व्यू कुछ ऐसा है, रोड देखिए कितनी सुंदर लग रही है जो कि डन्ना की तरफ आ रही है, नीचे जो रोड है वो साईं लबख्श की तरफ जाती है। और ये देखिए अभी जो बर्फ़ हटा रहे हैं हम गाड़ी के ऊपर से, और अभी हम जाएंगे इधर पीछे की तरफ वो आगे तक जहां तक रोड जाती है। तो चलते हैं दोस्तों, अभी हम चलेंगे इधर पीछे की तरफ। इतनी खुशी है भाई, कोई किसी के ऊपर बर्फ़ फेंक रहे हैं। देखिए देखते हैं कौन हारेगा कौन जीतेगा यहां पे इस इलाके में। और नीचे देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, मुश्ताक को जो है ना वो फाड़ दिया की है जावेद ने। और देखो कितना सुंदर नज़ारा है लॉरेन के इस खूबसूरत वादी का। और ये देखिए टाटा मोबाइल वाले भाई जो है भाई भाई कर रहे हैं। ये मेरा भाई उस्मान, उस्मान उस्ताद जी क्या हाल है? ठीक ठाक से ठीक है, फिट है, बस दुआ है। किधर यार, हम भी इधर मजे लेने आए यार बर्फ में यार, आज गाड़ी खड़ी कर दी मैंने भी, मैं चलो मजे लेते हैं आज, और ठीक है ना, चल दुआ दुआ में याद, बाय बाय, खुदा हाफिज, बाय बाय। तो ये था उस्मान भाई भाई, इसने भी हमारे साथ बहुत टाइम निकाला हुआ है दिल्ली में। तो दोस्तों चलते हैं, अभी हम चलेंगे इधर पीछे की तरफ और पीछे का नज़ारा दिखाते हैं क्या क्या नज़ारा है। अभी जो है थोड़ी बहुत धुंध हो रही है, ये सुल्तान पथरी वाली रोड है, कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है, सुंदर और मस्त व्यू है। तो दोस्तों अभी ना हम तीनों बैठे हुए हैं, एक पीछे बैठा हुआ है और जावेद भाई गाड़ी चला रहे हैं, और मैं भी बैठा हूँ, और चलते हैं सीधे अभी पीछे की तरफ जा रहे हैं हम, और उधर का व्यू दिखाएंगे कि कितना मस्त आ रहा है। कुछ लोग दोस्तों फेरन लगा के अपने घर से निकलते हैं दुकानों पे घूमने घूमने के लिए। तो अभी हम पहुंचे हैं अड़ी गांव, यह है अड़ी गांव का इलाका जो कि आपको दिख रहा होगा बर्फ से पूरा ढका हुआ है। अड़ी गांव का इलाका ये है, और ये देखिए कुछ ऐसा सुंदर सा इलाका दिखता है, और पीछे सुल्तान पथरी का इलाका भी दिख रहा है, और सामने ये जो इलाका है इस जगह पे ना एक बार दोस्तों ये देखिए क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा बड़ा बर्फ का, यहाँ से नीचे डालना ठीक है, और इसको बनाएंगे और यहाँ से इसको नीचे डालेंगे, देखते हैं कि कहाँ पे पहुंचेगा नीचे जाके ये। अभी जो है मुश्ताक भाई और जावेद दोनों इसको बहुत बड़ा बनाएंगे, और फिर यहाँ से हम इसको नीचे की तरफ छोड़ेंगे, और कोरा भी साथ साथ में लग जाता ना हाथों पे, दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। ये देखिए अभी कितनी बड़ी बनाई है हमने ये बर्फ की मान, इसको हम बोलते हैं मान,
और बर्फ भी बहुत ज्यादा तेज लगी है दोस्तों। नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, और अभी हम इसको नीचे छोड़ेंगे यहाँ से, देखते हैं ये कहाँ तक जाएगी, यहाँ की टूट जाएगी। और ये जा रही है नीचे की तरफ, और ये देखिए दोस्तों वो पूरी टूट गई है, वो जा रही है बर्फ आदि नीचे की तरफ नाले में। और यह है अड़ीगाम का कुछ ऐसा इलाका। तो दोस्तों मेरे ऊपर भी देखो कितनी बर्फ जमा हो गई है, अभी जो है ना मैं भी बर्फ के नीचे लगने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो है बंदे गाड़ी में घुस गए हैं। हमें आग भी जलानी पड़ेगी, क्योंकि हाथ जो है बहुत ज्यादा ठंडे हो गए हैं। बंदा नीचे बैठ गया गाड़ी के, और ये देखिए जावेद भाई, इन्होंने जो है ना बर्फ का बहुत ही बड़ा बनाया था, वो यहाँ से हमने नीचे डाला था, लेकिन वो टूट गया है। तो चलते हैं दोस्तों अभी आगे की तरफ। दोस्तों देखिए कितनी बर्फ है। एक बार ना दोस्तों यहाँ पे ऊपर से जो ना बहुत ही ज्यादा बर्फ आई थी, उसमें ना कुछ मकान नीचे आ गए थे, और उन मकानों में बहुत ज्यादा लोग भी मर गए थे। और इसी जगह पे यानी कि ये जो इलाका नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेंजर इलाका है। इसमें ना ऊपर से बर्फ आ गई थी बहुत ज्यादा, तो लोग इसमें मर भी गए थे। अल्लाह उन सबको जन्नत नसीब करे, और आज वो हमें ये बर्फ देख के याद आ गई। अभी हम सुल्तान पथरी वाली रोड पे जा रहे हैं। इस साइड देखिए कितनी बर्फ है, क्योंकि अभी जो है ना बर्फ बहुत ज्यादा पड़ रही है, उसकी हमें आग भी जलानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे हाथ जो है बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। ये नज़ारा है यहाँ का, डेंजर जगह जो है ये मानी जाती है। यहाँ से जो है ना इन दोनों पहाड़ों के बीच से रोड सुल्तान पथरी के लिए जाती है। अभी जो है ना बहुत ही ज्यादा ठंड भी बढ़ रही है, मशीन तो यहाँ तक भी आ रखी है। ये देखिए इन पहाड़ों के बीच से जब गाड़ी निकलती है तो कितना सुंदर लगता है। ये टूरिस्ट की तरफ से बनाया गया कुछ, जहाँ पे टूरिस्ट आके रेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने अभी जो गाड़ी लगाई है वो ऐसे लगा रखी है सामने, और इधर का व्यू कुछ ऐसा है। और ये देखिए इनका तो मन ही नहीं भर रहा है, ये बर्फ में ना बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। ये देखिए अभी जो है ना इसको बर्फ में डाल दिया, और ऊपर से बर्फ भी फेंका, और हाथ भी इनके बहुत ज्यादा ठंडे हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना आग का कोई जुगाड़ नहीं हुआ, क्योंकि हाथ जो है बिल्कुल ठंडे हुए हैं, बर्फ तो पड़ रही है फिलहाल। ये देखिए बंदे जो सोच रहे हैं हम क्या करें, हाथ इनके बहुत ज्यादा ठंडे हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है बर्फ के साथ गाड़ी भी साफ हो रही है, इतने डेंजर बंदे हैं यार, मेरे तो हाथ ठंडे हो रहे हैं। ये तो बर्फ के साथ जो है गाड़ी भी साफ कर रहे हैं जावेद भाई, ये देखिए पागल बंदे हैं ये तो। इनके हाथ पता नहीं लोहे के हैं, किस चीज के बने हुए हैं दोनों के। ये देखिए तो अभी हम चलेंगे दोस्तों इस रोड से, हम थोड़ा आगे चल के आगे का व्यू भी दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ, और आगे तक जाएंगे जहाँ तक रोड है वहाँ तक हम जाएंगे। दिल तोड़ के शेयर कर देना। और इधर से दो बच्चे भी आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे दो मिले हैं, और इनसे भी पूछेंगे कि कितनी एक ठंड है, ठंड कितनी एक है, है? बहुत ज्यादा है भरिया तू बिड़छा तो का तोड़ क्या तोड़ देर तोड़ का रोजा कहते यूसुफ। ये मोहम्मद यूसुफ का है, वो इम्तियाज का है, ये हमें रास्ते में मिले इसी रोड पे, और इनसे हमने पूछा कि ठंड कितनी है, और ये कश्मीरी बंदे हैं, इन्होंने बोला कि ठंड बहुत ज्यादा है। तो अभी हम भी चलेंगे पीछे इन्हीं के गांव में, और दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा और क्या सिस्टम है वहाँ। तो अभी जो है ना हमारा ड्राइवर भी चेंज हुआ है, मुश्ताक गाड़ी चलाने लगे, उसके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए जावेद भाई के, और वो अपने हाथ गर्म कर रहा है। और अभी हम ऊपर की तरफ रवा दवा हैं, और देखते हैं आगे क्या कितनी कितनी बर्फ है, जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक हम भी जाएंगे। सीधा सुनने महकाली का गाँव ये सामने रहा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसी रास्ते से जो है वो नंदी छूल जाते हैं, ये नज़ारा जो है यहाँ पे आके हम फंस गए, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा बर्फ है। सामने देखिए अभी जो है रोड में भी बर्फ है, मुश्ताक भाई देखने जा रहे हैं कितनी बर्फ है। तो फाइनली दोस्तों अभी जो है हम लास्ट सुल्तान पथरी यानी कि यहाँ पे रोड एंड होती है वहाँ पे पहुंचे हैं,
और इधर तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, मशीन तो यहाँ तक आ रखी है, गाड़ी हमने यहाँ पे लगाई है सामने, क्योंकि बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा है। ये देखिए इधर का इलाका पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, और ये रास्ता जो है सुल्तान पथरी की तरफ जाता है, और ये महकाली नंदीचूल की तरफ इस साइड से, यानी कि इस ये जो नीचे की तरफ दिख रहा होगा नदी, इस नदी को क्रॉस करके इधर से नंदीचूल की तरफ जाते हैं, और ये सामने जो है वो सुल्तान पथरी की तरफ जाते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, इतनी ठंड है, बर्फ़ भी जितनी बर्फ़ है उतनी ही ठंड है इस इलाके में। ये देखिए ये नज़ारा कुछ है ऊपर इस जंगल का और इधर का इस इलाके का। सामने देखिए ये मस्जिद शरीफ है, और यहाँ पे टूरिस्ट का कुछ ये सिस्टम बनाए हुए हैं, और एक ग्राट भी यानी कि जंदर वो भी है, और यहाँ से जो है ना पुल लगने वाला है पार, जो कि इसको कनेक्ट करेगा नंदीचूल के साथ। और इधर सुल्तान पथरी के इलाके में ज़्यादा बर्फ़ है, इधर तो फिलहाल नहीं जा सकते। और इन घरों में ना हमेशा लोग रहते हैं, लेकिन आजकल ये लोग भी नीचे की तरफ अपना रास्ता पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और ख़तरा भी बहुत ज़्यादा बना रहता है यहाँ पे। इलाके का व्यू जो कि अभी बर्फ़ थोड़ी बहुत पड़ रही है ऊपर की तरफ, बादल भी बिल्कुल छाए हुए हैं। ये देखिए देखिए ये बंदे जो इनको ज़्यादा गर्मी हो रही है, अभी जो है बर्फ़ पे बैठ के मूंगफलियाँ खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बर्फ़ का। ये देखिए जावेद भाई, हाँ जी, मज़ा आ रहा नहीं? बहुत मज़ा आ रहा है भाई। हाँ मुश्ताक, ऐसा नज़ारा कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। नहीं यार, तुम्हें तो ज़्यादा ही कुछ गर्मी हो रही है भाई इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए यार कहीं ठंडी हो गई पीछे से तो बहुत मज़ा आ रहा है यार। तो ये देखिए मूंगफलियां, और ये देखिए टोपी, देखो ना टोपी क्या बना रखी है इसने, इसने बालों की टोपी लगा रखी है। नीचे देखिए नजारा क्या सुंदर आ रहा है, और इधर गाड़ी का नजारा देखिए, पीछे सुल्तान पथरी आ रही है गाड़ी। ये देखिए बर्फ पड़ रही है। तो दोस्तों फिलहाल करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, और दोस्तों अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो दोस्तों बेल आइकन से ये होता है कि जो भी व्लॉग हम अपने चैनल पे डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने हमीद भाई और जावेद भाई और मुश्ताक भाई को। तो खुदा हाफिज़, मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे व्लॉग में।